गांव की सरकार संवाददाता सुरेंद्र देलू के साथ देखिए टुडे 24 पर। खाजूवाला ग्राम पंचायत से सरपंच उम्मीदवार कुंभाराम पवार के द्वारा आज चुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में मुख्य बाजार से रैली निकाली गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत उम्मीदवार कुंभाराम पवार के द्वारा रैली निकाली गई। इसके साथ ही टुडे 24 के साथ खास बातचीत करते हुए उम्मीदवार कुंभाराम पवार ने आम मतदाताओं से अपील करते हुए शांतिपूर्वक व भय मुक्त मतदान करने की अपील की। खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों के चुनाव चौथे चरण के 10 अक्टूबर को होंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लगातार मतदाताओं में भी उत्साह बढ़ रहा है। शनिवार को चुनाव होंगे, 10 अक्टूबर आ चुकी है। आज शाम 5 बजे प्रचार भी थम जाएगा। खाजूवाला उपखंड की 9,270 यहाँ पे वोटर हैं। 5 कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुंभाराम पवार, हम इनसे जानना चाहते हैं कोरोना काल एक बड़ी चुनौती रहेगी, किस तरीके से आप मतदाताओं की अपील कर रहे हैं? मतदाताओं से मेरी अपील है कि मास्क लगा करके जो राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग है, निश्चित दूरी है, बना करके रखें और शांतिपूर्ण चुनाव अपने मत का प्रयोग करें। आपका क्या एजेंडा है, क्या प्राथमिकता रहेगी अगर जनता आप पे विश्वास करके 5 साल चुनती है, तो क्या प्राथमिकता से आप विकास कार्य करवाएंगे? मैं खाजूवाला ग्राम पंचायत में जो विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं, सर्वप्रथम उनको करवाऊंगा। और जहां पर जो साफ़ सफाई है, गंदा पानी रुक रहा है, वहां नालियों की व्यवस्था करके या सीवरेज लाइन बिछा करके उसको खाजूवाला से बाहर अन्य जगह जहां बाहर निकलाऊंगा और स्वच्छता रहेगी। और जहां सड़कें टूटी हुई है, सड़कों की मरम्मत करवाऊँगा। वृद्धावस्था पेंशन है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए वृद्धावस्था जो से जो वंचित रहे हैं, उनको राज्य सरकार से फॉर्म भरवा करके उनको सहायता दिलवाऊंगा। और अंत्योदय परिवार के अंदर जो वंचित हैं, जो अपने चयनित में वंचित रहे हैं, उनको चयनित करवा करके उनको भी राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाऊँगा। पानी निकासी के साथ साथ आवासीय पट्टे एक बड़ी समस्या है खाजूवाला में। हाँ जी, हाँ जी, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। आवासीय और व्यावसायिक जो पट्टों से वंचित रहे हैं, उनको भी मैं प्राथमिकता से उनको पट्टी जारी करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसा आप करेंगे ताकि जनता आप पर यकीन करे, 5 साल मौका देगी ताकि जो आज खाजूवाला के अंदर कई स्कूल बंद पड़े हैं उनको दोबारा से शुरू किया जा सके? जी हाँ, खाजूवाला में कई स्कूल जो पहले चल रहे थे, फिर पीछे ये कई बंद कर दिए गए हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करके इनको पुनः शुरू करवाऊंगा। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, उनके लिए ये स्कूलें शुरू करवा करके और अध्यापकों की नियुक्ति करवाऊंगा। खाजूवाला में CHC है लेकिन महिला डॉक्टर आज भी नहीं आ रही है, एक बड़ी विकट समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी विकट समस्या है। महिला चिकित्सक खाजूवाड़ा के अंदर नहीं है। मैं इसके लिए भी राज्य सरकार से निवेदन करके महिला चिकित्सक की नियुक्ति करवाऊंगा और जो सोनोग्राफी मशीन है कई सालों से बंद पड़ी है, उसको भी मैं सही करवा करके सुचारू रूप से चालू करवाऊंगा ताकि खाजूवाड़ा की जनता को उसका लाभ मिल सके। एक अंतिम सवाल, कानून व्यवस्था बनी रहे ऐसे में मतदाताओं से आप क्या अपील करते हैं? मतदाताओं से अपील है कि भाई शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके, मास्क का प्रयोग करके और इसी तरह से ही अपने मत का उपयोग करें। बिल्कुल, ये थे खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खाजूवाला से प्रत्याशी कुंभाराम पवार। इनका कहना है कि जो शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था चरमराई हुई है, उनका प्राथमिकता से सही समय पर इनका कार्य करवाया जाएगा। पानी निकासी के साथ साथ भूमि आवासीय पट्टे भी एक बहुत बड़ी समस्या है, प्राथमिकता से इन कार्यों को निराकरण करना ही, इसी सोच के साथ, इसी को एजेंडा मानते हुए ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर शनिवार को होने वाले मतदान में मतदाताओं से अपील की जा रही है, सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें, साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनी रहे ऐसे भी मतदाताओं को शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।